अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन सज्जी की रेसिपी। आपने तो डिफरेंट टाइप की चिकन सज्जी रेसिपी खाई होंगी, बनाई भी होंगी, बट मेरे स्टाइल की ये रेसिपी है। आप देखिए, अगर आपको पसंद आएगी तो आप ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मैं अपनी अक्सर जो है वो दावत में बनाती हूँ ये, और सबको बहुत माशाल्लाह से ये पसंद आती है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए, क्योंकि आज जो है ना बच्चों की तरफ से फरमाइश आई थी कि हमने जो है ना वो होल चिकन खाना है। बच्चों को तो ये पता नहीं था सज्जी है या मंदी है, सारा डिफरेंस, बट उन्होंने कहा होल चिकन खाना है। तो मैंने होल चिकन में सोचा कि मैं जो है उनको चिकन सज्जी खिलाती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपके साथ चिकन मंदी की भी रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। चिकन सज्जी के लिए जो है ना आप जो बेहतर है कि जो है ना स्किन वाला जो है चिकन जो है स्किन के साथ लें, क्योंकि उसके जो ऊपर जिसका स्किन होती है उसके साथ गोल्डन कलर बहुत खूबसूरत आता है और अलग लुक आता है। एक्चुअली मेरे जो बच्चे हैं ना वो पसंद नहीं करते स्किन के साथ, कि नहीं हम स्किन के साथ नहीं खा रहे, हमें अच्छा नहीं लग रहा, मगर लुक जो अच्छा आता है वो स्किन के साथ आता है। तो यहाँ मैं पहले सबसे पहले जो इस पर जो मैरिनेशन के लिए स्पाइस चाहिए होंगे उसको मैं बताती हूँ आपको। पूरी रेसिपी को गौर से देखिएगा क्योंकि इसके डिफरेंट स्टेप हैं। पहले इसकी जो है ना वो मैरिनेशन है, मैरिनेशन के अलावा इसके साथ जो है राइस है, राइस के अलावा जो है इसके ऊपर जो हम ऊपर स्पेशल जो इसका मसाला डालते हैं जो रेस्टोरेंट स्टाइल होता है, जो आपने अक्सर देखा होगा कि आप बड़े मज़े का जो है वो सज्जी के ऊपर मसाला डालने के लिए साथ देते हैं, मगर पता नहीं होता कि वो है क्या। तो वो भी बताऊँगी कि सज्जी के ऊपर डालने के लिए जो मसाला होता है, क्योंकि सज्जी इट्सेल्फ जो है स्पाइसी नहीं होती है, इसका टेस्ट जो है थोड़ा नमक मिर्च में कम होता है, बट उसका स्पाइस डालते हैं तो उसका इन्हेंस हो जाता है उसका फ्लेवर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं। एक मैंने बाउल लिया है, मेरे पास जो चिकन है वो है एक सवा किलो का चिकन है, पूरा होल चिकन जो है ना। तो आप चाहे तो एक किलो का भी ले सकते हैं, मगर एक किलो का जो है वो रेशो थोड़ा, एक किलो का चिकन जो है थोड़ा सा कम रह जाएगा, सवा किलो का बिल्कुल ठीक रहेगा। तो उसके लिए मैंने जो है ना दो अदद जो है वो लेमन लिए हैं, इसको मैं जो है स्क्वीज़ करती हूँ। और सबसे पहले मैंने ना नमक डाल लेती हूँ। नमक लेंगे हम एक चम्मच, नमक इसमें एक चम्मच ऐड कर लिया मैंने। लाल मिर्च पाउडर है, वो जो है आपको पसंद है अगर स्पाइसी, वैसे मैंने आपको जैसे कि मैंने बताया कि जो है ना स्पाइसी नहीं होता, तो इसमें मैं एक जो है ना टीस्पून छोटे वाला लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। अब इसमें मैं डालूंगी काले मिर्च का पाउडर, काले मिर्च का पाउडर भी जो है ना मैं एक टीस्पून जो है वो भर के डालूंगी मैं, क्योंकि काले मिर्च का फ्लेवर जो है वो अच्छा लगता है इसमें। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो हम डालेंगे एक टेबल स्पून जो है वो भर के। अब इसके बाद मैं इसमें जो है ना वो लेमन स्क्वीज करूंगी। दोनों लेमन को स्क्वीज करती हूँ और इसको मिक्स करती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें जो है ना अब मैं जो है ना एक चम्मच जो है ना वो ऑयल भी डाल दूंगी, भर के एक चम्मच ऑयल भी डालना है। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप जो है कुकिंग ऑयल भी नॉर्मल ले सकते हैं। अब इसको हम जो है वो लगाना स्टार्ट कर देते हैं पूरा अच्छे से। इसको जो है ना मसाला इसके फ्रंट बैक अंदर इनर साइड्स पे रखते हैं। और जैसा कि आपको ये फैट्स नज़र आ रहे होंगे, इसमें फैट्स मैंने इसलिए रहने दिए हैं क्योंकि जो ये मेल्ट होंगे तो ये इसके साथ जो है ना वो ऑयल का काम करेंगे। ये इसमें ऑयल भी डाले मगर इसके साथ फैट्स जो है वो मेल्ट होकर बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट देता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप जो है ना वो बाद में रिमूव कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मसाला लगाने के बाद इसको फ्रंट पर लगाया, अब मैं इसके थोड़ा बैक पे लगाऊंगी, इसके इनर साइड पे भी लगाऊंगी अंदर की तरफ भी, ताकि पूरा अंदर जो है ना वो इसका मसाला जो है मैरिनेट हो जाए। और सेकेंडली ये बात है कि इसको आप मैरिनेट करने के लिए ओवरनाइट रखेंगे सबसे बेस्ट है। अगर आप ओवरनाइट नहीं रख रहे तो 8 घंटे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना वो फिर अच्छा इन्हेंस होके नहीं आएगा। तो मैं इसको जो है ना रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे जो है ना अभी रेसिपी को जो है जल्दी से बनाना है, मगर मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि 1 डे बिफोर आप कुकिंग के जो है ना इसको आप कर दें रेडी। तो यहाँ मेरा जो है ना आप देखें ये मसाला जो है वो रेडी हो चुका हुआ है, पूरा इसको लग चुका हुआ है। यहाँ पे अब मैं इसको जो है वो रेडी करती हूँ, अब आपको दिखाती हूँ कि उसको कुक कुक किसे करना है हमने। फिर उसके बाद मैं आपका जो है ना आपको इसका मसाला बनाना सिखाऊंगी और राइस बनाना सिखाऊंगी। पैन में जो है ना हमने 2-3 चम्मच जो है ना वो ऑयल डाल रहे हैं, और इसके बाद जो है मैं इसमें जो है ना इसको पूरे होल चिकन को रख दूंगी मैं इसमें कवर करके। अभी इसमें रख दिए,
अब ईच साइज को हम जो है 20 से 25 मिनट जो है वो कुक करेंगे। 20 से 25 मिनट बाद मैं इसको देखूंगी और इसकी साइड को जो है मैं चेंज कर दूंगी। फिर वो 20-25 मिनट हो जाएंगे, मैं देखूंगी कि जो है वो चिकन गला है नहीं गला, फिर उसके बाद मजीद इसको जो है वो और टाइम की ज़रूरत है या नहीं है। अब इसको मैं कवर करती हूँ, पहले तेज़ आँच करूँगी, उसके बाद मैं इसे कवर करके इसकी जो है ना स्लो मीडियम आँच पर कर दूँगी और उसको कुक होने के लिए रख देती हूँ। जितनी देर में जो है वो चिकन जो है ना वो कुक हो रहा है, गल रहा है, तो मैं आपको बता देती हूँ जो उसके ऊपर मसाला रेडी करना है उसके लिए हमें चाहिए होगा नमक 1 चम्मच, साबत जली जो लाल मिर्चें हैं वो मैंने ली हैं 5 से 6 अदद, साबत जो है धनिया लिया है 1 चम्मच, ज़ीरा भी मैंने लिया है साबत वाला 1 चम्मच, काली मिर्चें जो है 1 चम्मच डालते हैं, मैंने थोड़ी कम डाली है इसमें, मुझे स्पाइस नहीं डालना इसमें, इसलिए अगर थोड़ा आपको स्पाइसी करना है तो आप इसी क्वांटिटी काली मिर्च साबित काली मिर्ची होती है ना उसी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। बड़ी इलायची मैंने 1 ली है, छोटी वाली इलायचियाँ जो है ना वो मैंने ली है 3 अदद। अब इसमें जो है अनारदाना मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वो अनारदाना जो है पाउडर मौजूद नहीं था। अनारदाना पाउडर भी डाल सकते हैं आप और अनार भी डाल सकते हैं, आपके पास जो भी घर में चीज़ें अवेलेबल हो आपको उसी से डिश को जो है ना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये नहीं कि घर में अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो डिश रेडी नहीं कर सकते, बना सकते हैं, जो चीज़ें घर में अवेलेबल हो उससे बना सकते हैं। अगर ये भी चीज़ ना हो और आपके पास जो है ना वो टाटरी पाउडर हो, टाटरी हो तो टाटरी भी डाल सकते हैं, उससे और अच्छा इसका जो है ना फ्लेवर आएगा। तो इन सब चीज़ों को जो है मैं करूँगी मिक्सी में जो है वो ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल पाउडर बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। यहाँ पे मैंने जो है ना मसाला वो मिक्सी में जो है वो पीस लिया, देखें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो चुका हुआ है, रेडी हो गया। अब हम करेंगे राइस की प्रिपरेशन, जो स्पेशल राइस जो है चिकन सब्जी के साथ होते हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, जो उसको इन्हेंस करते हैं इसके टेस्ट को, उसकी बनाने की रेसिपी देखिएगा बहुत ज़बरदस्त। अब बनाते हैं राइस। यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना स्किन इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है गोल्डन, 25 मिनट हो गए थे, मैंने साइड चेंज कर दी है। अब जो है वो राइस की प्रिपरेशन करते हैं। नहीं, अब अपना हम राइस जो अपने स्टार्ट करते हैं। पैन में जो है देचकी में हमने ले लिया है 1/2 कप ऑयल और इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए जो है 2 अदद मीडियम साइज के प्याज स्लाइस में कटे हुए। सबसे पहले हम डालेंगे साबुत गर्म मसाला, उसके बाद हम प्याज डालेंगे। ये साबुत गरम मसाला जो हम जो है राइस में जो डालेंगे, ये बादियाँ के फूल हैं थोड़ा से टूट गए हैं 2 अदद, और ये साबुत काली मिर्ची हैं 8 से 10 अदद, दालचीनी है का 1 स्टिक ले लेंगे हम, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची हैं और लौंग है यहाँ पर, और ये शाह ज़ीरा है, काला वाला जो ज़ीरा होता है वो ज़ीरा है, और 1 भर के चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी डालेंगे, और बड़ी इलायची भी है इसमें जो है ना वो डाल दिए सारा सब साबुत जो है वो गर्म मसाला हमने, और उसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हल्का सा जो है फ्राई करते हैं, ब्राउन नहीं करना इसमें, लाइट सा सा कलर जो चेंज होगा उसमें फिर हम जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे जो है थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज हो चुका है प्याज का, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के, मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें जो है वो डालेंगे यखनी है चिकन की वो डालेंगे, 2 कप जो है वो यखनी है चिकन की वो इसमें डाल दिए। अब इसके बाद जो है इसमें हम राइस डालेंगे। अब इसमें जो है वो चावल ऐड कर रहे हैं, 750 ग्राम चावल है जो ऑलरेडी मैंने जो है ना वो भिगो के रखे हुए थे 1/2 घंटा पहले। यखनी में ऑलरेडी मैंने जो है ना नमक डाला था, मैंने टेस्ट किया कम लग रहा है, मैं इसमें जो है 1 चम्मच जो है ना वो और नमक डाल रही हूँ। फिर जो है ना इस टाइम जो है मैं दही डालूँगी 2 चम्मच दही डाल दिए पैंट के मैंने चावलों के साथ। इस टाइम आप दही डालेंगे तो आप देखिएगा कि चावलों का जो फ्लेवर है इसका यखनी पुलाव का बहुत डिफरेंट रहेगा जो इसके साथ राइस होते हैं। अगर आप पहले डाल देते हैं तो उसका फ्लेवर और आता है, जो आप बाद में चावलों के साथ डालेंगे उसका फ्लेवर चेंज आएगा। जो है वो दम के लिए अब रेडी है, इसमें हरी मिर्च दम पे डाल रही हूँ 3 अदद, और साथ जो है वो थोड़े से ब्राउन किए हुए जो प्याज है वो थोड़े से ऊपर जो है डाल देंगे। अब इसमें जो है वो थोड़ा सा जो है जर्दे का रंग डाल रहे हैं जो बिरयानी में भी यूज करते हैं हम लोग, वो डाल के अब इसको जो है दम के लिए हम रख रहे हैं 15 से 20 मिनट के लिए,
स्लो फ्लेम पर, उसके बाद मैं आपको उसका लुक दिखाती हूँ। इतनी देर में जो है हम चिकन को फाइनलाइज करेंगे, जो हमारी सब्जी है उसको फाइनल करेंगे। ये जो है चिकन मसाला से रेडी हो गया, अब हम इसको जो है ना वो कोयले का जो है स्मोक देंगे 5 मिनट्स के लिए। कोयला मैंने जो है ना यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से जो है हो गया रेड। अब इसके हम डालेंगे ऊपर ऑयल। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब कवर कर देंगे हम इसको 5 मिनट्स के लिए, और उसके बाद अब देखते हैं, आपको लुक दिखाती हूँ फाइनल। यहाँ पे माशाल्लाह से जो है ना हो चुके हैं दम रेडी, उतार लिए मैंने, चावल रेडी हो चुके हैं। चिकन को भी साथ निकालती हूँ, सर्व करती हूँ, और इसके बाद एक स्टेप है, आप रेसिपी को पूरा देखिएगा एंड तक। इसको मैं अब सर्व करती हूँ, फिर आप देखिएगा। इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। यहाँ पर जो है ना आप देखिए मेरी जो है वो चिकन सब्जी वो रेडी हो चुकी हुई है, ज़बरदस्त राइस के साथ और इसके मसाले के साथ, जो स्पेशल मसाला था इसका उसके साथ, ज़बरदस्त बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। और जो इसका मसाला है वो उसका मज़ा जो है वो दुबला कर देगा। तो उसके ऊपर जो है हम स्क्वीज़ करेंगे थोड़ा सा लेमन ऊपर थोड़ा सा, और थोड़ा सा डालेंगे ऊपर जो मसाला रेडी किया है बहुत ज़बरदस्त सा, और इसका मज़ा हो जाएगा और दुबला। और अपने मेहमानों के साथ, अपने घर वालों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा, उनको मुझे ये उम्मीद है कि आप उन लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ऊपर मैंने डाल दिया इसके ये मसाला, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हो गया। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। होप सो आपको मेरी रेसिपीज़ जो है पसंद आ रहे होंगे, मेरी ब्लॉग्स जो है वो पसंद आ रहे होंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, या कोई भी आपको लगता है कि जैसे मेरी रेसिपी में मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ, कुछ आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो वो भी ज़रूर बताया करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है उसको लाइक भी किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। डू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो नेक्स्ट मिलती रहें, और शेयर विद अदर्स। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।